आज बेटा हम जो है वो क्या स्टार्ट करेंगे आज सेम क्वेश्चन जो हमने बेटा कल छोड़ा था, कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.2 वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 बेटा। ओके जी, अब इसमें क्या दिया हुआ था बेटा, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस जो है बेटा 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल को ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब किया। ओके, ए बी और सी, ठीक है बेटा जी, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर दैट इज मेंशन, मीन्स यहाँ ये ओरिजिन से ये 4 सेंटीमीटर है, और हमें दिया हुआ है कि जो बी सी है इट इज डिवाइडेड बाय डी विद 8 सेंटीमीटर टू दिस साइड एंड 6 सेंटीमीटर टू दिस साइड। ओके, एंड दे राइट हियर फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। मैंने कल भी ये बात बताई थी, ए बी एंड ए सी बेटा बताने के लिए देखिए स्टार्ट कैसे करें। अगर ये 6 है तो इतना पार्ट भी 6 होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। सेम अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल गए तो अगर ये पार्ट 8 है तो इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो दैट मींस मुझे सिर्फ इतना पार्ट कैलकुलेट करना, ये भी जितना है उतना ही ये होगा क्योंकि एसी तभी निकलेगी अगर ये पार्ट प्लस 6 कर दे, ये पार्ट प्लस 8 कर दे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले हम इतना पार्ट लिखेंगे, देन वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, राइट डाउन कि जो है एस वी मार्क और लेबल इट, क्योंकि लेबल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। हम क्या कर देते हैं, इसको ई और एफ लेबल कर देते हैं। हम लिखते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू ए लेट इट बी एक्स से, हमने से कर लिया। ओके, लेट कर लिया, और उसके बाद वी विल राइट सी डी इज इक्वल टू सी एफ दैट इज 6 सेंटीमीटर, और बी ई इज इक्वल टू बी डी दैट इज 8 सेंटीमीटर। सबका रीजन यही है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ओके बेटा, ये इक्वल इन लेंथ, सबका रीजन सेम, यानी ये फिगर हमारी क्लियर कट हो गई। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमें यानी बाहर से ये सारी साइड्स पता चल गई, हमें टोटल ए सी हमें पता चल गई तो वो एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर है, हमें ए बी पता चल गई वो 8 प्लस x सेंटीमीटर है, हमें बी सी पता चल गई 6 प्लस 8 सेंटीमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब मैंने एक्स निकालना है, क्या करूंगी मैं, एरिया को कैलकुलेट करूंगी दो मेथड से। कल भी हम जो सेकंड मेथड लगा रहे थे मैंने आपको कहा था देखो यहाँ प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए वो मेथड हम नहीं लगा सकते। हमने कौन से दो मेथड से एरिया निकालना है, एक हीरोन्स फॉर्मूले से, दूसरा क्या करेंगे हम पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैंने डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल होगी ए ओ सी, एक ट्रायंगल होगी बी ओ सी, एक ट्रायंगल होगी बी ओ ए। ठीक है, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम किसके इक्वल होना चाहिए, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है ना। तो अब वो बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वी यूज हीरोज फॉर्मूला, और छोटी छोटी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप हाइट देखोगे ना हर एक में ये 90 एंगल बना रहा है ना, तो वो हाइट ही होगी, वो रेडियस है 4 4 4, हाइट हर एक में पता है, बेस भी पता है, यहाँ 14, यहाँ एक्स प्लस 8, यहाँ एक्स प्लस 6, बस तीनों का एरिया प्लस कर लेंगे। हम टर्न बाय टर्न एरिया निकालते हैं, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले से, ये जो 3 साइड लिखे हैं हम इसको एक ए बी और सी लेट कर लेते हैं। ओके,
अब इसका मतलब सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स एक्स प्लस सिक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस 14 बाय टू भी करते हैं ना, बाय टू, कल भी हमने ये किया था, 14 प्लस 14 28 प्लस 2 एक्स बाय 2, तो ये 14 प्लस एक्स बन गया, एस निकल आया। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ, हमें ये ऊपर सारा रब करने लगे क्योंकि हमें नीड नहीं है, लेट अस रब द अपर पार्ट, ठीक है जी। तो आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया हेयर, ठीक है, एस भी मेरे पास आ गया 14 प्लस एक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ओके, मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, वो क्या है बेटा, एरिया इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब बेटा वैल्यू पुट कीजिए, एस की कितनी आई थी 14 प्लस एक्स, आई एम पुटिंग 14 प्लस एक्स। अब 14 प्लस एक्स माइनस ए, ए कितना है एक्स प्लस सिक्स, माइनस करूंगी तो एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, ओके। नाउ 14 प्लस एक्स माइनस बी माइनस एट माइनस एक्स, ओके, और मेरे पास हो गए 14 प्लस एक्स माइनस 14, 14 प्लस एक्स माइनस 14, मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर। अब बेटा एस का तो काम ही खत्म हो गया ना मेरे पास, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालते, 14 प्लस एक्स ये आया, ये एक्स और एक्स कट गया और ये मेरे पास बचा 8, इधर से एक्स और एक्स कट गया मेरे पास बचा 6 और ये कट गया तो मेरे पास ये बचा एक्स, ठीक है जी। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये एक एरिया एक टाइप से मेरे पास निकल आया, मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब अगेन जो है, अगेन एरिया जो है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मेरे पास बी ओ जो है ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए ओ सी, ठीक है जी। अब बेटा सबसे बात करें ओ सी बी की, हाफ बेस, बेस ये है ना, तो 6 प्लस 8 14 मेरे पास, 14 इंटू 4 प्लस हाफ मेरे पास हो गए, अभी इस ट्रायंगल में आ जाए तो बेस इज 8 प्लस एक्स इंटू, हाइट तो 4 ही है ना, दिस इज हाइट ओ ई, ओके, प्लस हाफ, अगला बेस मेरे पास है 6 प्लस एक्स इंटू ये 4, ये देखो 2 ये सबके साथ कट रहा है, ओके बेटा। तो अब ये एरिया और ये सेकेंड एरिया को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेट करने लगी हूँ इस साइड पे ताकि आपको पता चल जाए, ओके बेटा। तो लेट अस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके बेटा, जब मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 किया तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया बेटा, 28 प्लस, यहां पर क्या आया 16 प्लस 2 एक्स, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, प्लस बेटा 12 प्लस एक्स 2 एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू ये वाला अंडर रूट की वैल्यू मेरे पास हो, और वो मेरे पास क्या होगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स 8 6 और एक्स, ठीक है जी। अब बेटा आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इफ वी सी ऐड करें इनको, मेरे पास कितना बना 28 16 और 12, ठीक है, 8 16 1 3 4 5 56 बना, 56 प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इंप्लाइज 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6
इंटू एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या कर दें, स्केयरिंग ऑन जो है हम बोथ साइड कर दें। अगर मेरे पास जो है स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो मेरी कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, एक और चीज कर सकती हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, पहले फोर कॉमन ले लो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। जब मैंने फोर कॉमन लिया ना, यहाँ 14 प्लस एक्स लिया, अब स्केयरिंग करो। ठीक है, यहाँ स्केयरिंग करेंगे तो 14 प्लस एक्स का स्केयर और 8, सॉरी स्केयर नहीं आएगा, और 6 और एक्स। अब इसका बेनिफिट पता क्या होगा, ये एक टाइम और ये एक टाइम सीधा कट जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो भी करूं, एक्स की वैल्यू माइनस 14 नहीं आ सकती, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए मैंने काट दिया एक बार। अब मेरे पास इधर क्या बचा, देखो 4 का स्केयर 16 और 14 प्लस एक्स, और इधर बचा 48x। अब बेटा कटिंग करनी है, आप यहाँ काट सकते हो, आपके पास जो है ये क्लियर कट 16 3 द 48। अब बेटा मेरे पास जो ये x उधर गया, तो 14 इज इक्वल्स टू मेरे पास जो है 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर आप वैसे पूरी खोलोगे ना तो कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। ओके बेटा, तब कैलकुलेशंस ज्यादा बढ़ेंगी तो आपको उतना ही प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात समझ आई सबको? ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? तो अब अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ, अब मैंने साइड्स निकालनी है ना। आई हैव टू राइट हियर, जो मैंने साइड्स को लेट किया था फिगर में, मेरे पास जो है स्टेटमेंट में AC मेरे पास जो थी 6 प्लस एक्स, AC 6 प्लस एक्स यानी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और AB 8 प्लस, AB था ना, चेक कर लीजिए, यस AB 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनी वन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। कल ये क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था, इनकम्प्लीट था। ठीक है, चले आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, प्रूफ जो है दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जो है सबस्टेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब उसने कहा है कि अब इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस है, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो व्हाट दैट इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटर है, ये लीजिए, ओके, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फिगर थोड़ी सी वो ऐसे बनी, तो मुझे प्रूफ करना है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स है ना क्वाड्रिलेटर की, ये ऑपोजिट साइड और एक ये ऑपोजिट साइड, ये सेंटर में जो एंगल बना रही है ना, आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, आप अलग अलग तरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसने कहा कि ये जो ये एंगल बन रहा है ना, ये दोनों मिलाकर जो है सप्लीमेंट्री है, या इधर और इधर से मिलाकर जो है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, जब आप सर्कल प्रॉपरली कंपस से बनाओगे ना तो फिगर भी क्लियर होती है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लेबलिंग करें, लेट अस डू द लेबलिंग। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आई लेबल इट एज, मेरे पास वो है ए बी सी डी, मेरा थोड़ा सा ट्रेपेजियम की तरह बना है। आप चाहो तो हम फिगर प्रॉपरली भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। उसके लिए सबसे पहले सर्कल राइट कर, थोड़ा प्रॉपरली फिगर सही होगी तो आपको समझ भी आएगा। ठीक है जी, ये लीजिए, ओके, ये ले, मैंने प्रॉपर
थोड़ा क्वाड्रिलेटर टाइप बना दिया, वैसे तो ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटर है, कोई इतनी बॉदरेशन नहीं होती, बट फिर भी ठीक है। अब मैं लेबल कर रही हूँ ए बी सी डी, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट भी मैं लेबल कर दूं, जो है हम लोग पी क्यू आर एस ले ले, जैसे मर्जी ले ले, ये आप पे डिपेंड करता है ना, पी क्यू आर और एस ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेटर्स ज्वाइन दिस, मैं इन पॉइंट्स को भी और इन पॉइंट्स को भी मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन जो है कि ज्वाइन ए बी एंड ए सी एंड ऑल्सो पी आर एंड ए क्यू एस, यू हैव टू राइट इन कंस्ट्रक्शन। ओके बेटा, अब मेरे पास जो है क्लियर कट है, आपको पता है अगर ये चाहे मैं यहाँ 1 2 3 एंगल लिख दू या ए बी सी लिख दू, डजेंट मैटर बेटा। ओके, डजेंट मैटर, आप जैसे मर्जी एंगल्स को स्पेसिफाई कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एंगल्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स। ओके, अब सबसे पहले इधर आइए, ए एस इसको ओ लिख देते और पी। आपको पता है अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से वो दो टेंजेंट बना रहा है ना, तो सेंटर पे ये इक्वल एंगल को में आता है, पता है ना आपको कि ओ ए बाइसेक्ट करता है ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे ऐसे कि एंगल वन जो है वो एंगल एट के इक्वल है, क्योंकि ओ ए बाइसेक्ट करता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने कितनी बार प्रूव भी किया। सिमिलरली मेरे पास जो है 2 किसके इक्वल है, 3 के ठीक है जी, 4 किसके इक्वल है, 5 के, 6 किसके इक्वल है, 7 के। ये ध्यान से लिखना, 7 8 इक्वल नहीं होंगे, 6 7 इक्वल होंगे। ओके, तो ये सबको सेम रीजन सब में लिखोगे आप प्रॉपरली, हम पूरे को इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब बेटा ये सेंटर में कंप्लीट एंगल बना रहा है, हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 दैट इज 360 कंप्लीट एंगल। अब आप देखो आपको क्या क्या एंगल, कौन कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5। पहले स्टेप में वही करना है ना, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 180 डिग्री के इक्वल। तो अब 1 मुझे चाहिए लिखा रहने दो, 2 मुझे चाहिए लिखा रहने दो, 3 मुझे नहीं चाहिए, तो 3 किसके इक्वल है, 2 के, यू राइट हियर। 4 आई डोंट नीड इट, तो मैं 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, एंगल 5 के, एंगल जो है 6 मुझे चाहिए, एंगल 7 आई डोंट नीड इट, तो एंगल 7 किसके इक्वल है, 6 के, राइट है ठीक है जी। एंगल 8 आई डोंट नीड इट, आई कैन राइट इट एंगल 1 ठीक है। अब क्लियर कट, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू 360। सब में 2 कॉमन है, हम क्या करेंगे यहां पर, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 जो है वो 360 बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। यही प्रूव करना था कि दैट इज जो है सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट में। अगर इधर से सप्लीमेंट्री है तो इधर से भी तो सप्लीमेंट्री होगा ना, तो सिमिलरली जो है फिर से यहां पर आप कर सकते हो 360 के इक्वल। अब आपको 2 की जगह 3 लिखना है, 5 की जगह 4 लिखना है, 6 की जगह पे 7 लिखना है, 1 की जगह पे 8 लिखना है, तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 जो है वो 180 के। समझ आ गई बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनी वन, यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर, examples are very important. Okay, now your homework is to do the examples. ठीक है,
एंड आस्क मी द प्रॉब्लम डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, यू कैन आस्क मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन आस्क मी फ्रॉम दिस चैप्टर डे आफ्टर टुमारो. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं बेटा. ओके बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक. बेटा लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक. अब बेटा स्टैटिस्टिक में क्या हमारे पास है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर? बिल्कुल नाइन्थ के कॉन्सेप्ट की तरह है हमारे पास, जो है हम इसमें मीन मॉड मीडियन हम करेंगे. ठीक है, और ऑगिव यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है, वो करने की जरूरत नहीं है. पहले तो हम ये समझे कि ये स्टैट्स होती क्या, व्हाई वी स्टडी इट. बेटा स्टैट्स बेसिकली बेटा जितना रिसर्च वर्क में कोई भी डाटा का सर्वे करने में यूज होती है. जैसे अभी कोविड की सिचुएशन आई, हम क्या करते थे, हम कहते थे रोज इतने केसेस हैं, इतनी ग्राफ हाई गया, इतना ग्राफ कम गया, वो कहाँ से होता है? सर्वे से होता है. हम सर्वे करते हैं और वहां पर डाटा को एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, मीन मॉड मीडियन, डिपेंडिंग अपॉन हमारा एनालिटिकल जो सर्वे है वो कैसा है, हमें उसमें से क्या चाहिए, हमने कौन सा रिजल्ट निकालना है, हम वहां से उसके सर्वे करते हैं. यस दक्ष, यस दक्ष बेटा, अनम्यूट यू सेल्फ. दक्ष मैम एक बार थर्ड एग्जांपल करवा दो. ओके, आप बेटा एक बार देख लीजिए, मैंने स्टार्ट कर दिया ना नेक्स्ट, तो डे आफ्टर टुमारो मैं आते ही प्रॉब्लम्स लूंगी, एक बार देख लेना फिर हम करेंगे. ओके हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि स्टैट्स में हमारे पास क्यों हम स्टडी करते हैं, इसका रीजन मैंने आपको सारा बता दिया कि सर्वे करने के लिए है ना, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा मेथड लगाएंगे ये भी सर्वे पर ही डिपेंड करता है. ओके, कि सर्वे कैसा है. अब बेटा सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो मीन मॉड मीडियन की बात करनी है. ओके, अब मीन मॉड मीडियन में से हम बात करेंगे मीन की. अब ये मीन क्या होता है ना, आपने अनग्रुप्ड डाटा का सारा किया हुआ है नाइन्थ में, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगी आपके साथ सारा कि ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा जो है वो कैसा होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा की. मैंने क्लास में आपसे पूछा कि बेटा जैसे जैसे बैठे थे ना बेटा, हाँ जी फर्स्ट स्टूडेंट बताइए, दक्षिता बताइए आपके कितने नंबर है, हरलीन बताइए आपके कितने नंबर है, हर्षिता आप बताइए कितने नंबर है, लक्ष्य आप बताइए, मन्नत आप बताइए, महक आप बताइए. मैंने कोई सीक्वेंस अडॉप्ट नहीं किया, मैंने कोई रोल नंबर नहीं देखा, मैंने कोई नेम का नहीं देखा, जैसे मेरा मन किया मैंने उस बच्चे के नंबर नोट कर ली. दैट इज अनग्रुप्ड डाटा, नो सीक्वेंस इज फॉलोड. कोई मैंने ऐसे नहीं पूछा कि वो बच्चे हैंड रेज कीजिए जिसके 0 से 10 तक में नंबर है, वो बच्चे हैंड रेज कीजिए जिसके 10 से 20 तक नंबर्स. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए वो अनग्रुप्ड डाटा है. जब मैं क्लास में ऐसे डिस्कस करूं, प्लीज रेज योर हैंड दोज हु हैव ऑप्टेड 100 out of 100 या 90 to 100, फिर 80 to 90, फिर 70 to 80, उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा. हमने एक ग्रुपिंग कर दी तो हम उसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा. अच्छा, ग्रुप्ड डाटा इसमें भी आता है, अगर मैं एक पर्टिकुलर मार्क्स लू, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया और मैंने बच्चों से पूछा बेटा रेज योर हैंड दोज हु गेट 10 out of 10, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 बच्चों ने हैंड रेज किया, तो मैंने कैसे लिख देना है, आई विल राइट लाइक दिस मार्क्स, उसको एक्साइज से डिनोट किया फ्रीक्वेंसी 10 10 के 5, ठीक है, फिर मैंने कहा 9
नाइन वाले कितने बचे थे मान लो 10, ये भी ग्रुप्ड डाटा है। ओके जी, मैंने कोई सीक्वेंस तो अडॉप्ट किया है ना। फिर 8 वाले मैंने कह दिया वो 5 थे, 7 वाले मेरे पास 3 थे, देन 6 वाले मेरे पास 15 थे। ऐसे ये दिस टाइप ऑफ डाटा दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, हम उसे कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। अब इसकी मीन की बात करनी, वैसे मीन क्या होता था हमारे पास, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, हाउ वी कैलकुलेटेड मीन। अगर मैं कहूं कि आपकी क्लास के मैथ सब्जेक्ट की मीन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? हां जी जल्दी बेटा रेज योर हैंड। अरे पर ये यस बिसम, यस बेटा, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कि सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, या कितना हमने डाटा लिया। मीन ऐसी एक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डाटा को, डाटा उसके आसपास घूमता है। हम जो परफॉर्मेंस, हम आपने कई बार टीचर से सुना होगा, अच्छा जी 10 थे, बहुत अच्छी है स्टडीज में, कैसे पता चलता है? हम उनके हर सब्जेक्ट की मीन वैल्यू देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे क्लासेस से। अगर वो मीन वैल्यू सेम आती है या ज्यादा है, जिस क्लास में ज्यादा है मीन, ऑब्वियस है दैट मींस कि वो क्लास ज्यादा बेटर होगी स्टडीज में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। या हम ये भी पूरी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का मीन इकट्ठा निकाल लें, पहले सेपरेटली निकाला फिर इकट्ठा निकाल लें, तो जिस क्लास की मीन एवरेज ज्यादा होगी यानी उस क्लास के बच्चे ज्यादा स्टडी करते होंगे। हम कई बार आपसे कंपैरिजन करते हैं ना किसी का, तो वो परसेंटेज या मीन से ही होता है। सिर्फ मीन और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, परसेंटेज को हम 100 से कंपेयर करते हैं, लेकिन मीन को हम जितने ओरिजिनल मार्क्स है उसी से कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है जी, तो अब हमने सबसे पहले बात करनी है ग्रुप्ड डाटा की। तो ग्रुप्ड डाटा में मेरे पास होंगे मीन का फॉर्मूला होता है बेटा Fi, पहले F1 X1 प्लस F2 X2 सो ऑन Fn Xn डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन Fn। एक तो मेथड ये, हम इतना बड़ा फॉर्मूला लिखे, ये Fi X1 मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्यों करना? अगर 10 बच्चे हैं जिनके 5 नंबर है तो मैं देखूं कितने मार्क्स बने टोटल उन 10 बच्चों के, 10 मल्टीप्लाई 5 ही करते हैं ना 50। ऐसे ही 10 स्टूडेंट हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं तो कितने मार्क्स हो गए, वो 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 90, उन सबको ऐड करूंगी ना, ये ऐड ही किया। और नीचे ये कितने बच्चे हैं यानी इसका सम, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं, समेशन Fi Xi ओवर समेशन Fi। समेशन का मतलब प्लस, ठीक है, और i मतलब यहां i वेरीज फ्रॉम 1 to n, n मतलब नंबर, कितनी टर्म्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं सेम ईयर, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। यानी पहले मैंने i की वैल्यू 1 ली तो वो F1 X1 हो गया, समेशन का मतलब प्लस। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2, और ये कब तक चलते जाना है, जब तक n नहीं आ जाता। मान लो मैंने कहा 10 बच्चे तो 10 का आ जाएगा, मैंने कहा 10 टर्म्स है, सॉरी 20 टर्म्स है तो वो 20 तक ऐड हो जाए। ओके बेटा क्लियर, तो इसी पर बेस्ड हमारे पास जो है मीन ऑफ जो है ये ग्रुप्ड डाटा, और ये नाइन्थ में भी आपने किया हो। और मीन को एक्स बार से हम डिनोट करते, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा की। अभी तक मैंने ग्रुप्ड डाटा की बात की, लेकिन वर्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा आ जाता है तो दैट मींस यहां पर ना लिमिट फिक्स करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये वैल्यूज है, ये ग्रुप्ड डाटा, इसमें हर ये इंटरवल्स है, मैंने फिक्स कर दिया है ना, अब मैंने इंटरवल्स फिक्स किए तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है। कोई भी इंटरवल है अगर 0 to 10, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बहुत सारी टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है क्लास साइज, है ना, क्लास साइज का मतलब होता है हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। फिर हम बात करते हैं क्लास मार्क्स, उसमें क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर हो गई बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को यहां तक, ठीक है। अब मेरे पास जो है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड डाटा है तब मीन कैसे निकालें, इसके लिए हम सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, वी कैलकुलेट, तब ये क्लास, ये इंटरवल्स होते हैं जिसको आप क्लास क्लासेस भी कह देते हैं। तो हम सबसे पहले xi निकालते हैं, xi मींस क्लास मार्क, दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा 5, अगले का 15। एक आधी निकालने की जरूरत होती है क्योंकि इसमें क्लास साइज 10 का है, तो यहाँ xi में 10 10 10 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 25 35 45। अब fi आ गया, मतलब पता ही है हमें xi हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला तो वही लगना है मीन कैलकुलेट करने का, सेम मीन इज x बार, और इसे हम fi xi ऐसे ही लिख देते हैं मीन को शॉर्टकट में। क्या करेंगे, सबसे पहले fi xi निकालेंगे आपस में मल्टी, xi fi लिख दो या fi xi लिख दो, बोथ मीन सेम। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 150 125, ठीक है, 15 और 10, ओके। अब 45 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, जो भी आता है यहाँ लिख। अब इसका टोटल कर लो, ये जो टोटल होगा ना समेशन एफ आई एक्स आई होगा, और इसका टोटल कर लो समेशन एफ आई। अब वैल्यूज पुट करो, डिवाइड करो, एंड यू विल गेट योर मीन। मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, कंस्ट्रक्शन सॉरी स्टैटिस्टिक के फ्री के मार्क्स हैं, वेरी इजी चैप्टर, सिर्फ कैलकुलेशंस में बच्चे नंबर खाते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ तो वहां तो आंसर एग्जैक्ट चाहिए ना हमें, ठीक है ना। यस प्रिंसी बेटा, यस प्रिंसी मैम, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो होते हैं उसमें कन्वर्ट करने के, उसको जब कन्वर्ट करना होता है वो किस क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है? मैं बताऊंगी बेटा, मेरे को वहां तक पहुंचूंगी तो आई विल टेल यू कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में कहां जरूरत पड़ती है, ओके, ठीक है। मीन में वैसे जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मिडल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, वी विल डू इट। हाँ जी बेटा, यस दिव्यांश, यस दिव्यांश बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन आया, एक बारी कल दोबारा बता देना मैम। श्योर बेटा श्योर, यस भानु, थैंक यू, यस भानु मैम, एक सेकंड साइड हो जाओ मैम, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ श्योर श्योर प्लीज मैम, इसमें क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? हाँ जी हाँ जी, क्या निकालेंगे? क्लास मार्क्स का एक बार बताना क्या था बेटा। क्लास मार्क्स होते हैं कि दोनों लिमिट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, ओके,
है ना, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, सब ऐसे कैलकुलेट करते जाते हैं। ओके, हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने क्वेश्चंस नहीं ना किए हैं, वी विल डू द कंप्लीट क्वेश्चंस, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी तो एक मैंने इंट्रो दिया, ओनली इंट्रोडक्शन, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम टू एनीवन? भानु, यस हो गया बेटा? यस भानु, ओके, यस मैम, ओके ओके बेटा, टेक केयर एंड गुड बाय बेटा।